उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए, ताजा तरीन घटनाक्रम के लिए, देश विदेश से जुड़ी उन जानकारियों के लिए जो आपको जाननी चाहिए, और साथ ही हमारी खास स्पेशल स्टोरीज के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। संवाद 365 के साथ बने रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तेरह साल की उम्र में वो काम जो बड़े बड़े इंजीनियर करते हैं, इसे कहते हैं हुनर है तो क्या कमी है। ये है कन्हैया, इनकी उम्र मात्र 13 साल है, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया जो इस उम्र में हर कोई नहीं कर पाता। कन्हैया कक्षा 8 में पढ़ते हैं। घरेलू और अनुपयोगी सामान के चलते उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार बना डाली। वो अपनी बनाई कार को सड़क पर 2 किलोमीटर से ज्यादा चलाकर टेस्ट भी कर चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने ये कारनामा अकेले अपने दम पर कर दिखाया। इस काम में उनका सहयोग परिवार और दोस्तों ने भी किया। कन्हैया की ये कार बैटरी से चलती है और फुल चार्ज बैटरी से एक बार में इसे 40 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। कन्हैया का ये शौक आज का नहीं है, इससे पहले भी वो छोटी सी जेसीबी मशीन, वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, इलेक्ट्रिक रोबोट जैसी चीजें बना चुके हैं। अब जरा कन्हैया की इस कार को भी देखिए। इसे बनाने में कन्हैया को 2 महीने का समय लगा। सभी गाड़ियों की तरह ये गाड़ी भी चाबी से स्टार्ट होती है। इसमें स्टीयरिंग, हेड और बैकलाइट, इंडिकेटर, गियर, बैक गियर सब कुछ है। कार को चलाने के लिए इसमें 12 वोल्ट की 4 बैटरियां लगाई गई हैं। कार की बॉडी प्लाईवुड से बनाई गई है और इसे बनाने में 30,000 रुपए के आसपास का खर्च आया है। मैं बचपन से कुछ ना कुछ नया बनाने की सोचता रहता हूँ, इसलिए मैंने शुरुआत में एक छोटी सी रिमोट कंट्रोल कार बनाई थी। तो मैंने उससे सोचा कि इसको बड़ा क्यों ना बनाया जाए, तो उसी को सोच के मैंने एक नई कार बनाई। शुरुआत मैंने इतनी बड़ी नहीं मारता, शुरू में छोटी छोटी सी बना रहा था, फिर धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ाया, फिर इतनी बड़ी बना दी। इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा, पूरी इलेक्ट्रिसिटी वाली कार है। इसमें करीब 30,000 के आसपास का खर्चा आया। इसमें मैंने मोटर 4 बैटरी लगा रखी है, हॉर्न, इंडिकेटर, चाबी से ऑन ऑफ, ब्रेक लाइट, हेडलाइट, रिवर्स फॉरवर्ड, जो जो चीजें असली कार में होती है, मेनली सड़क के लिए बनाई गई है। हालांकि कन्हैया ने इस इलेक्ट्रिक कार को अपने दम पर बनाया, मगर उनके भाई कृष ने भी कार बनाते समय उनका पूरा सहयोग किया है। कृष का कहना है कि उसने प्लाई की कटिंग, रंग रोगन जैसे कामों में कन्हैया का सहयोग किया है। तो वहीं पड़ोसी से लेकर घर वाले हर कोई खुश है। मैंने अपने भाई की काफी चीजों में मदद की है, जैसे उसके हैंडल, एक्सीलेटर एवं पेंटिंग से लेके कटाई तक अन्य चीजों में मैंने और मेरे मित्र अक्षय ने काफी मदद की है। मैंने उससे काफी कुछ सीखा है, जैसे वह नए नए इन्वेंशन बनाता रहता है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत ही मैं आज गौरवान्वित हो रही हूँ कि मेरे बच्चे ने एक छोटी सी कार बनाकर इलेक्ट्रिक कार प्रदूषण मुक्त और पॉल्यूशन बनाई है। तो उससे बहुत मुझे ज्यादा खुशी हुई है कि एक बच्चे ने कार बना के छोटे से बच्चे ने औरों को भी प्रेरणा का स्रोत बनाया। बहुत अच्छा लग रहा है और ये तो शुरू से ही कुछ ना कुछ का रास्ता निकलता रहता है, कभी कुछ बनाता है, कभी कुछ बनाता है और एक से एक नमूना बनाता रहता है और हमारे बच्चे भी इसी के पास सीखते हैं। हमें यही है कि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मिलना जरूर चाहिए, सरकार की तरफ से हमें मदद मिलनी चाहिए और हमारे आसपास के बच्चे उन्हें भी देख के साहस बढ़ेगा थोड़ा बहुत। जब कन्हैया अपने इस कार को लेकर सड़क पर दौड़ते हैं तो हर कोई बस कन्हैया को देखता ही रहता है, उनके साथ सेल्फियां लेने लगा है। ऐसे में जरूरत है तो ऐसे हुनरों को निखारने की, ताकि हमारा देश हर सेक्टर में तरक्की करता रहे। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।